पार्टी से चंद्रशेखर आजाद पहले बोलते थे मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा या मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जैसे आए थे उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो आप कहां तक सहमत हैं उनकी बात से और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, पर आज जो अटल सत्य है कि हम लोगों को संगठित होकर लड़ना होगा और जो लोग संगठन तोड़ने का काम करते हैं आज उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले घर घर में संगठन बनते थे, हम उससे भी आहत थे, मगर आज घर घर में पार्टियां बन रही हैं, घर घर में इलेक्शन में खड़े होने का जुर्म सवार है, योग्यता है या नहीं, साधन है या नहीं, मगर उनको बहुत प्रमुखता से कवरेज मिल रही है अखबारों में टेलीविज़न में। तो क्या देख रहे हैं कि जो नए नए प्रतिभाएँ उभर रही हैं जो समाज के साथ अन्याय अत्याचार को दूर करने के बजाय उनके ऊपर जो अत्याचार अन्याय करते हैं उनके हाथ मजबूत करने के जो काम कर रहे हैं, समाज समझ रहा है और समय आने पर इसका उपयुक्त प्रबंध करेगा। आज भाई चंद्रशेखर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्हें आज सारी चीज़ों को दूर करके समाज के प्रति अपना क्या दायित्व है उसको समझना चाहिए। उनके बयानों का भी हम संज्ञान ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद हम उनकी बातों को समझते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। बच्चे आज समय है समाज के साथ खड़ा होने का, और समाज के साथ जो लोग खड़े नहीं होते, मैंने तो बहुत इलेक्शन देखे हैं, 52 के इलेक्शन का तो मुझे होश नहीं है, मगर 57 के इलेक्शन से लेकर आज तक सारे इलेक्शनों का संज्ञान लिया है, बहुत निकटता से लिया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ पानी के बुलबुले की तरह उभरने वाले लोग बहुत आए, मगर आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, आज उनकी कोई पहचान नहीं है। थोड़े से समय के लिए हमारे दुश्मन उनको चमक जरूर देते हैं, उनको कवरेज जरूर देते हैं, मगर जो ही इलेक्शन ख़त्म होता है वो तुरंत अपने द्वारा खोदी गई कब्र में जाकर के लेट जाते हैं। ये हमारा अपना स्वयं का अनुभव है, इसलिए कुछ भी छोड़ देना, समाज का साथ मत छोड़ना, और समाज को जो साथ छोड़ता है वो उसका बहुत बुरा हाल होता है, ये इतिहास इस बात का गवाह है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जिसने भी गद्दारी की है वो भस्म साथ हुआ है, वो धूरी साथ हुआ है, तबाह हो गया है, ये इतिहास इस बात का गवाह है। आप अपने मन में कुछ भी अपने बारे में सोचें, मगर समाज जो आपका संज्ञान लेता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी के आधार पर आगे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।